हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आप ऐड ज़रूर देखते होंगे, तो अगर आपने घड़ी का ऐड देखा हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो या टीवी पर हो या इंटरनेट पर हो, किसी भी चीज़ पर हो, अगर आपने घड़ी का ऐड देखा हो तो आप ज़रूर उसमें देख सकते हैं कि हर घड़ी में 10:10 का ही टाइम दिया रहता है, या फिर 99.99% हर घड़ी में आपको 10:10 देखने का ही टाइम मिलता है। तो ऐसा क्यों है, वो किस लिए मिलता है, इस वीडियो में आपको सब तरह की जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हाय गाइस, माय नेम इज शाही एंड यू वॉचिंग टेकी शाही। तो सबसे पहले अगर बात करें गाइस कि 10:10 ही हर घड़ी में टाइम क्यों होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसलिए रहता है क्योंकि ये अच्छा दिखता है। हाँ, ये अच्छा क्यों दिखता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑर्डर में है। सिमेट्रिकल ऑर्डर मतलब कि दो साइड अगर बराबर हो तो उसको सिमेट्रिकल ऑर्डर कहेंगे, और ये तमाम इंसानों को, तमाम लोगों को ये सिमेट्रिकल ऑर्डर पसंद आता है, इसलिए घड़ी में 10:10 का टाइम रहता है। सिमेट्रिकल ऑर्डर अगर ऐसा है तो सीधा इसको सिमेट्रिकल ऑर्डर बोलेंगे, और दोनों राइट और लेफ्ट का बराबर है। लेकिन अगर ये ऊपर है एक नीचे है तो इसको सिमेट्रिकल ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ये देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो घड़ी में 10:10 का टाइम इसलिए रहता है क्योंकि ये ऑर्डर सबको पसंद आता है। और इसी ऑर्डर को फिक्स रखने के लिए बहुत सारी घड़ी में 10:09 या 10:11 भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर को वो लोग फिक्स रखते हैं ताकि ये लोगों को ज़्यादा पसंद आए। दूसरी बात इस पोजीशन में कि घंटे का कांटा 10 पर हो, मिनट का कांटा 10 पर हो, इस पोजीशन में दोनों सुइयां जो होती है, दोनों कांटे जो होते हैं घड़ी के, वो अच्छी तरह देखने के लिए मिलते हैं, वो अच्छी तरह देखने मिलते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग करके रखा जाता है। तीसरी और मेन बात यह है कि अगर इस तरह 10:10 का टाइम हम घड़ी में रखें या फिर कंपनीज वगैरह एडवर्टाइजमेंट में रखें, तो उस वक्त घड़ी का या कंपनी का जो लोगो है वो हमको अच्छी तरह देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो लोगो ठीक 12 के नीचे रहता है, इसलिए वो लोगो हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर घड़ी का ऑर्डर हम चेंज कर दे, मतलब 12 पर एक कांटा रख दे और 9 पर या 3 पर एक कांटा रख दे, तो वो लोग कंपनी का छुप जाएगा, वो साफ साफ नहीं दिखेगा, इसलिए वो लोग 10:10 का ही टाइम रखते हैं। लेकिन बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैंने घड़ी में 8:20 का टाइम भी देखा है, जैसे कई कई ब्रांडेड कंपनी भी है वो, लेकिन वो किस लिए, कि सेम सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए कि उनका लोगो या फिर नीचे होगा या कहीं साइड में होगा, इसलिए 8:20 पर वो लोग टाइम रखते हैं घड़ी का, क्योंकि उनका लोगो 6 के ऊपर रहता है कंपनी का, वो साफ साफ दिखने के लिए। उसके अलावा भी कई सारी बातें हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि 10:10 का जो टाइम है वो स्माइली फेस को रिसेंबल करता है। स्माइली फेस, जिस तरह हम हंसते हैं तो हम ऐसे हंसते हैं इस तरह के, वो स्माइली फेस को रिसेंबल करता है, इसलिए 10:10 का टाइम रखते हैं। अगर उसको नीचे रखें 8:20 का, 9:20 का, तो वो स्माइली फेस को रिसेंबल नहीं करता, बल्कि वो सैडनेस को रिसेंबल करता है, इसलिए 10:10 ही घड़ी में टाइम रखा जाता है। आखिरी बात यह कि कुछ लोग कहते हैं कि 10:10 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए घड़ी का टाइम 10:10 रखा जाता है, ताकि उस हादसे की यादगार बनकर वो टाइम रहे। और बहुत लोग ये कहते हैं कि जब घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाया था तो उसने 10:10 पर ही घड़ी को तैयार किया था। तो अगर उसने 10:10 पर घड़ी को तैयार किया और वो दुनिया की पहली घड़ी है, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो टाइम पर उसने उस घड़ी को तैयार किया। उसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि घड़ी बनाने वाले की मौत 10:10 पर हुई, इसलिए घड़ी का टाइम 10:10 रखा जाता है। तो ना तो मैंने ये फैक्ट्स अभी तक कहीं पर पढ़े हैं और ना ही इसके बारे में ज़्यादा सुना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।